अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और आज आपकी बात की जाएगी उस मौजू पर कि जिसमें आप सब और मैं बिल्कुल शामिल हैं। साउथवर्क क्राउन कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट के अगेंस्ट वो तमाम जराइम जो थे कोर्ट की नज़र में प्रूव हो चुके हैं, उनको सज़ा दी जा चुकी है। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी आज, और हम मौजूद हैं कराची के नेशनल स्टेडियम से चंद कदम के फासले पर। वहाँ से इस शो को बराह रास्त आप तक पेश किया जा रहा है। इस शो में हमने बड़ी दरख्वास्त की जनाब सादिक मोहम्मद साहब से, आप सीनियर क्रिकेटर हैं, आपके नाम से और आपके कारकर्दगी से पाकिस्तान को पहचाना जाता है, पाकिस्तान की जीनत हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब तशरीफ़ लाए, आप का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी है, आप कायमा कमेटी बराए क्रिकेट के रुकन हैं, साबिक चेयरमैन हैं, और काफ़ी गहरी नज़र है आपकी क्रिकेट के इशूज़ पर। पाकिस्तान के साथ हुआ दरअसल ये कि अगर आप फैसले की मद में ये बात करते हैं तो बात यह है कि तीन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ ज्यादती की, जिन्होंने पाकिस्तान के वक़ार के साथ ज्यादती की, जिन्होंने पाकिस्तानी 18 करोड़ लोगों के दिलों को तोड़ा, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मज़र मजीद के कहने पर मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, पैसे लिए, पैसे कहाँ गए, कोर्ट के चक्कर लगाए, किसी शख्स ने आके रिपोर्ट दर्ज कर दी, उनका नाम भी मज़र है इत्तेफाक से, उन्होंने ये तमाम बातें मीडिया तक पहुंचाई और सबके कान खुल गए, पूरी दुनिया खड़ी हो गई। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों ने कोशिश की कि शायद ये गलत हो, बहुत अच्छा अच्छा सोचा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने फर्स्ट डे से हेडलाइंस लगानी शुरू कर दी, फ़ायदा मोहब्बत करने वालों को हुआ या दुश्मनों को हुआ। बात का आगाज़ किया जाएगा सबसे पहले उन लोगों से कि जो नेशनल स्टेडियम जैसे बहुत सारे स्टेडियम्स में जाके या अपने घरों में टेलीविजन के सामने छक्के लगते हुए देखकर तारीफें करते हैं, तालियां बजाते हैं, ब्लड प्रेशर्स को ऊपर नीचे करते हैं, या आउट होते हुए गमगीन हो जाते हैं, सोग में आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ये तमाम लोग वो इस वक्त मौजूद हैं बशमूल मेरे कि जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, मुल्क का गेम है। पहले उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस केस के सिलसिले में। इंग्लैंड की अदालत ने ये केस फाइनल किया, पाकिस्तान की अदालत को क्या करना चाहिए था, पाकिस्तान की अदालत इसको मानती है या नहीं मानती, पीसीबी का रोल क्या होगा, सीनियर्स का रोल क्या होगा, और आने वाली नस्लों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आपसे बात शुरू करते हैं, फैसला तो अदालत ने दे दिया मोहम्मद आमिर 6 महीने के लिए, उनको जेल नहीं होगी अलबत्ता, वो करेक्शनल सेंटर के अंदर जाएंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे, काउंसलिंग सेंटर में जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि बेटे तुमने ये बड़ा जुर्म किया, तुम 19 बरस के हो, लेकिन बाकी दो सीनियर लोग मौजूद हैं जिनके नाम कई मरतबा मंजर आम पर आ चुके हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। अस्सलामुअलैकुम सर, सुहेल अहमद मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तीनों चारों जो भी थे वो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे, अब तो रहे या नहीं रहे इसका नहीं पता, बट ये कि वो हमारा न्यू जनरेशन था और उनको रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो हरकत की उसके पीछे ये ज़रूरी समझता हूँ मैं कि इसके पीछे लाजमी कोई और भी शामिल होगा, सिर्फ वो तीन या चार लड़के शामिल नहीं हैं, इनके पीछे पूरा एक गैंग शामिल होगा। ऑब्वियसली वो कहीं से भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में से कहीं से भी हो सकते हैं, किन तीन लोगों ने किया, जाहिर सी बात है जो आपके स्क्रीन पे होता है, पैसे दिए कि जाओ फलाने को गोली मार दो, इसमें कोई और शामिल है, लेकिन मैंने तो गोली मार दी ना भाई। ऑब्वियसली आपने तो गोली मार दी, लेकिन आपने किसी के कहने पे मारी ना गोली, पैसे भी तो लिए थे उसके, पैसे लिए थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है गलत किया, सही गलत किया, गलत तो किया, फैसला ठीक है, गलत है फैसला, ठीक है, अगर इंटरनेशनल, आप क्या बताएंगे, फैसला ठीक है, फैसला बिल्कुल राइट है, क्योंकि गुनाहगार को जब तक उसकी सजा नहीं मिलेगी जब तक वो नहीं सुधरेंगे। इन्होंने इतने 16 करोड़ आवाम का दिल दुखाया, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, 16 करोड़ लोगों के दिल को तोड़ा है, सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है आपने, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद है, क्रिकेट लवर है आप, क्या हुआ, दिल पे हमला हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ जब ये सुना कि हमारे जो आगे जाके जो एक बहुत क्रिकेट के हमारे असासा थे होने वाले, उनके साथ ऐसा हुआ। और ये कि जो इनको सज़ा मिली है बहुत अच्छी मिली है, मैं तो बोलता हूँ कि इनको बहुत कम सज़ा मिली है, इनको बहुत ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी। पाकिस्तान माजी का कोई केस याद है जिसपे सज़ा ना हुई हो? माजी का कोई केस मुझे नहीं याद। सादिक मोहम्मद साहब से पूछेंगे, पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों को जो है वो, अच्छा आप बात नहीं करना चाहते, आप बात करना चाहते हैं जी, तीन खिलाड़ियों के ऊपर ये जो फैसला दिया गया लंदन की अदालत में, तो इनको सजा क्या असर पड़ा इससे? असर तो ये पड़ा है कि जो है ना, इनको बार्गल जज जो सजा जो थी ना, इनको कम दी गई है, सजा कम दी गई, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।
अच्छा सजा ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए इनको ताकि चाचा क्रिकेट याद आती है मुझे। क्यों नहीं, क्यों नहीं क्रिकेट जरूर याद है। मैं तो उनको सजा मिलता ताकि सबको नशे से दोबारा कोई खिलाड़ी ऐसी हरकत नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा ये इस तरह का इकदाम जो किया गया है ये पहली मर्तबा हुआ? ये पहली मर्तबा हुआ। इसे सारे पूरे पाकिस्तान 18 करोड़ आदमी का दिल तोड़ा इन्होंने, पूरे कौम का दिल तोड़ा इन्होंने। सजा दी जाए इनको। किसकी सजा पर है आपको? तीनों पर हमको दुख हो रहा है। तीनों ने गलत काम किया, मुल्क की बदनामी करी, हमारे मुल्क का इमेज पूरी वर्ल्ड में। तीनों ने मुल्क की बदनामी की, इन तीनों ने मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचाया है। मुल्क में मौजूद ये लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं। जरा देखिए और मजीद क्या। आप यंग हैं, क्रिकेट देखते हैं आप? जी बिल्कुल। तालियां बजाते हैं जब छक्के पड़ते हैं? जी बिल्कुल। और जब आउट होते हैं पाकिस्तानी तो तकलीफ होती है? होती है। अच्छा ये तीनों खिलाड़ी जो थे पाकिस्तान के अच्छा खेलते थे जी, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे। सजा हुई, ठीक हुआ, गलत हुआ? बस आमिर का है, आमिर को जो माफ कर देने चाहते यार। वजह क्या है? मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का। अच्छा मैंने अगर पहली मर्तबा कत्ल किया हो तो मुझे माफ कर देना चाहिए? शायद कर देना चाहिए। क्योंकि पहली गलती सरकार ने माफ की है। अच्छा हाँ, असल में ये तो वो किरदार है जो सामने आ गए, और वो किरदार जो इनके पीछे थे या जो ये इनकी डोरियां हिला रहे थे नजर नहीं आए। एक मेरी ब्रेक ड्यू है यहाँ पर, 99.99% लोगों ने, 99.99% ने कहा कि सजा होनी चाहिए। एक साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, सरकार भी माफ कर दिया कर देते। लेकिन सीनियर्स क्या कहते हैं इस सिलसिले में, मजीद लोगों की क्या राय है, आपको छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल नजदीक है। अगर मैच हो रहा होता तो तालियों की आवाज जरूर आती। बी विद मी।